महेंद्र सिंह धोनी, जिसने अपने बलबूते न जाने कितने मैच जिताकर टीम इंडिया के झोली में डाल दिया, लेकिन एक मैच में अगर बल्ला नहीं चला तो लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसे आती हैं जैसे कि अब धोनी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में टीम का कप्तान और सीनियर खिलाड़ी जब बचाव में आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बता दें कि धोनी के बचाव में अब सुनील गावस्कर ने भी माना है कि प्रेशर में अक्सर ऐसा होता है कि बल्लेबाज चाहते हुए भी रन नहीं बना पाता। गावस्कर ने यह भी कहा कि दूसरे वनडे में धोनी द्वारा खेली गई 37 रनों की पारी ने अपनी 36 धोनी का जिक्र करते हुए गावस्कर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में लिखा, उनका उस हालात में स्ट्रगल करना समझ में आता है जब आप असंभव स्थिति में फंस जाते हो, आपके पास विकल्प भी सीमित हो, तो ऐसे में दिमाग नकारात्मक हो ही जाता है। उस स्थिति में हर अच्छा शॉट भी फील्डर के हाथ में जाता है और यह प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। धोनी के संघर्ष ने मुझे मेरी बदनाम पारी की याद दिला दी जो मैंने भी वहीं पर खेली थी। बता दें कि 1975 के वर्ल्ड कप की है। 7 जून को भारत और इंग्लैंड का मैच था जिसमें सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों पर सिर्फ 36 रन बनाए थे। वह ओपनिंग करने आए और 20.68 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट रहे थे। उस मैच में भारत 202 रनों से हारा था। 1984-85 तक यह वनडे की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।